Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology on YouTube channel. Guys, आज हम बात करेंगे सुख संपत्ति के बारे में. जो भी आपकी सुख और संपत्ति होती है, जो आपका फिक्स्ड जो एसेट्स होता है, जैसे जमीन हो गई, घर हो गया, फ्लैट्स हो गए, गाड़ियां हो गई, इससे संबंधित चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे और इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि हम लाइफ में सुख और संपत्ति को अचीव करते हैं, घर बनाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, बहुत सारी गाड़ियां खरीदते हैं और सुख से संबंधित सारी चीजें हमारे पास होती हैं, लेकिन अचानक से ऐसा क्या होता है जिसके चक्कर में इन सारी चीजों का लॉस हो जाता है. ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है. कई बार इसमें योग बनता है कि किसी के साथ आपका लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उसके चक्कर में सुख और संपत्ति का लॉस हो जाना. कोई सरकारी कोई कार्रवाई आपके साथ ऐसी हो जिसके चक्कर में सुख और संपत्ति का लॉस हो जाना, लड़ाई झगड़े दंगों के चक्कर में सुख और संपत्ति का लॉस हो जाना, आपसी पारिवारिक झगड़ों के चक्कर में सुख और संपत्ति का लॉस हो जाना, नेचुरल डिजास्टर के चक्कर में सुख और संपत्ति का लॉस हो जाना, या कहीं पर अगर आप विदेश में जाके या किसी आउटर वर्ल्ड में जाके अगर आप बस जाते हैं तो उसके चक्कर में भी सुख और संपत्ति का लॉस माना जाता है, क्योंकि आप जो है अपने उन लोगों से दूर हैं जो लोग आपके साथ आपके बचपन में आपके साथ रहे हैं, तो उसको भी हम बोलते हैं सुख और संपत्ति का लॉस हो जाना, यानी अपने लोगों से कहीं दूर जाके बस जाना. तो आपके बर्थ चार्ट के थ्रू आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा कौन सा योग आपके बर्थ चार्ट में बनता है जो आपको बहुत सक्सेसफुल तो बनाता है. आप बहुत सारी जमीन खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं, पैसा बहुत होता है, सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी होती है, लेकिन अचानक से ऐसा क्या होता है जिसके चक्कर में इन सब चीजों का लॉस हो जाता है. तो अगर हम सुख और संपत्ति की बात करते हैं तो उसके लिए हमें देखना पड़ता है फोर्थ हाउस. आपका जो फोर्थ हाउस है इसका संबंध है सुख और संपत्ति से और आपके फिक्स्ड एसेट से. फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट हो चुका है या वक्री हो चुका है तो सुख और संपत्ति को पाने में आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा. फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर राहु, केतु और शनि के साथ है तब भी आपको सुख और संपत्ति को पाने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा. फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में आता है तो बीमारी के चक्कर में, कोर्ट कचहरी के चक्कर में, दुश्मनी के चक्कर में, झगड़े के चक्कर में सुख और संपत्ति का लॉस होता है. फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर एट्थ हाउस में आता है तो अचानक से कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके चक्कर में सुख और संपत्ति का लॉस हो जाता है, जैसे नेचुरल डिजास्टर का होना, जैसे भूकंप का आना, जैसे सुनामी का आना, जैसे बॉम्ब ब्लास्ट का हो जाना, या कोई ऐसी चीज जो अचानक से होती है जिसका हमें पहले से अनुमान नहीं होता है, उसके चक्कर में सुख और संपत्ति का लॉस हो जाना. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर एट्थ हाउस में होगा तो 100% वो चीजें होंगी, ऐसा नहीं है. उसके लिए आपको एट्थ हाउस से संबंधित चीजों को भी देखना होगा, एट्थ हाउस की लॉर्ड की पोजिशन को भी देखना होगा. और जैसे मैंने बताया कि फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में आता है तो लड़ाई और झगड़े के चक्कर में सुख और संपत्ति का लॉस, कोर्ट कचहरी के चक्कर में सुख और संपत्ति का लॉस, लेकिन उसके लिए आपको सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड की पोजीशन को भी देखना होगा. सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड अगर बेनिफिक साइन में है, अपने ओन साइन में है, अपने एक्जल्टेशन में है, केंद्र भाव में है, त्रिकोण भाव में है, लाभ भाव में है, तो लड़ाई झगड़ों से भी आपको फायदा होता है. अगर फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर ट्वेल्थ हाउस में चला जाता है तो कहीं आप दूर जाके बसते हैं, उसके चक्कर में यह माना जाता है कि आपकी सुख और संपत्ति का लॉस हो गया. यानी जिन लोगों के बीच में आपका बचपन गुजरा था, आपकी जवानी गुजरी थी, आप उन लोगों को छोड़ के कहीं विदेश में जाके बस जाते हैं तो वो लोग आपके सुख और संपत्ति को देख नहीं पाते हैं, तो उसको भी हम बोलते हैं सुख और संपत्ति का लॉस होना. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर ट्वेल्थ हाउस में चला गया तो आप बहुत गरीब हो जाएंगे, आपके पास कुछ नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है. उसके लिए आपको ट्वेल्थ हाउस के लॉर्ड की पोजीशन को देखना होगा. ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड अगर अपने एक्जल्टेशन में है, ओन साइन में है, बेनिफिक हाउस में है, केंद्र भाव में है और त्रिकोण भाव में बैठा हुआ है तो आपको कहीं विदेश में अगर आप जाते हैं तो वहां भी आपको सुख और संपत्ति मिलती है. और हमें एक चीज और भी देखनी है
कि फोर्थ हाउस में अगर राहु केतु शनि की अगर प्लेसमेंट होती है, फोर्थ हाउस के लॉर्ड के साथ अगर राहु केतु शनि की प्लेसमेंट होती है, या फोर्थ हाउस के ऊपर या फोर्थ हाउस के लॉर्ड के ऊपर अगर किसी वक्री प्लेनेट का अगर एस्पेक्ट पड़ता है या उसकी स्थिति बनती है फोर्थ हाउस के लॉर्ड के साथ, तो सुख और संपत्ति को अचीव करने में आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। शनि अगर फोर्थ हाउस में होता है तो शुरुआती जीवन में सुख और संपत्ति को लेके आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। आपका जो बचपन होता है वो बहुत गरीब स्थिति में गुजरता है। लेकिन फोर्थ हाउस में अगर राहु होता है तो राहु यहाँ पर फोर्थ हाउस से संबंधित चीजों को अचीव कर पाता है। लेकिन उसके लिए आपको फोर्थ हाउस के लॉर्ड की पोजिशन को भी देखना होगा कि फोर्थ हाउस के लॉर्ड की पोजिशन क्या है। केतु अगर फोर्थ हाउस में होता है तो सुख और संपत्ति को आप इजीली अचीव करते हैं, लेकिन बाद में आपका जो इंटरेस्ट है इन चीजों से खत्म हो जाता है या कम हो जाता है। लेकिन फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर वीक पोजीशन में है, कंबस्ट हो गया है, वक्री हो गया है, राहु केतु शनि के साथ है, सिक्स्थ हाउस में है, या राहु केतु शनि का अगर एस्पेक्ट पड़ रहा है और वो सिक्स्थ हाउस में है, एट्थ हाउस में है या ट्वेल्थ हाउस में है, वीक पोजिशन में है, तो सुख और संपत्ति का कंप्लीटली लॉस होता है। यानी आपने जो भी चीज हासिल की होगी उन सारी चीजों का लॉस हो जाता है। और दूसरी बात यह कि फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर अपने ऑन साइन में है, बेनिफिक हाउस में है, केंद्र भाव में है, सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस, ट्वेल्थ हाउस में अगर है, लेकिन सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस के लॉर्ड की पोजिशन अगर बहुत अच्छी है और राहु केतु शनि से अगर आपका फोर्थ हाउस बचा हुआ है या उसका लॉर्ड बचा हुआ है, तो सुख और संपत्ति आपके जीवन में बहुत आती है और आप उसको बहुत एंजॉय भी करते हैं। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में भी अगर कोई ऐसा योग बनता है कि आपको किसी प्रकार का कोई लॉस हुआ है, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें और पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और गाइज आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइज टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।